हेलो दोस्तों, आपने विंडो का नाम तो सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में विंडो 7 है, विंडो 10 है, कौन कौन सी है वो आप लोगों को पता। दोस्तों विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को कार्य करवाता है। दोस्तों MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। इसके संस्थापक बिल गेट्स और लोग इनको भूल जाते, पॉल एलन भी थे इनके साथ। और दोस्तों इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। अब दोस्तों बात करते हैं, ये GUI पर आधारित है, विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें चित्र से कार्य कर सकते आइकन द्वारा। और दोस्तों इसके प्रकार की बात करें तो विंडो 1.0 1985 में लॉन्च हुआ था। अगला था विंडो 2.0 1987 में, विंडो 3.0 1990 में, विंडो 3.1 1992, विंडो 95 1995, विंडो 98 1998, विंडो ME 2000 में, और इसके साथ ही 2000 में ही विंडो NT लॉन्च हुआ था, और विंडो XP 2001 में लॉन्च हुआ था। दोस्तों विंडो विस्ता 2006, विंडो 7 2009 जिसका लोग वर्तमान में भी यूज करते, विंडो 8 2012 और हमारा लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 30 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों यह है अब भी वर्तमान में भी यही यूज होता है, यह सबसे लेटेस्ट और नया वर्जन है। फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बोल दिया कि हम नया वर्जन नहीं लाएंगे, सिर्फ इसमें नए नए अपडेट लाते रहेंगे आपके लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगी।